आई एम डॉक्टर राकेश कुमार टाक, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। पिछली बार हमने अमीनो एसिड्स के बारे में बात किया था और अमीनो एसिड्स के साथ साथ पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के संबंध में हमने चर्चा की थी कि उसका वर्गीकरण किस तरह से हो। और आज जो हम स्पेशली पढ़ रहे हैं वो है अमीनो एसिड्स का वर्गीकरण, मींस द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो अम्लों का वर्गीकरण, अम्लों में विद्यमान अमीनो समूह क्षारीय प्रकृति के होते हैं जबकि कार्बोक्सिलिक समूह अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इन दोनों समूहों को सापेक्ष स्थिति के आधार पर इन्हें अल्फा, बीटा और गामा टाइप के अमीनो एसिड्स कहा जाता है और इन्हीं भागों में इनको अल्फा, बीटा, गामा के ग्रुप्स में इसको विभाजित किया जाता है। चूंकि अमीनो एसिड्स का अध्ययन प्रोटीनों के संदर्भ में किया जाता है और प्रोटीनों में केवल अल्फा अमीनो एसिड्स ही पाए जाते हैं, अतः हमारी जो स्टडी है वो केवल अल्फा अमीनो एसिड्स के बारे में ही रहेगी। अल्फा अमीनो एसिड्स में अमीनो समूह ही पाए जाते हैं और अमीनो समूह के साथ साथ कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या के आधार पर अमीनो अम्लों का वर्गीकरण मुख्य रूप से तीन भागों में किया जाता है। पहला, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स अर्थात उदासीन अमीनो एसिड्स। यदि अणु में एक अमीनो समूह व एक कार्बोक्सिलिक समूह है तो अमीनो अम्ल उदासीन प्रवृत्ति के होते हैं, अर्थात एक एसिड और एक बेस यदि है तो उसको हम उदासीन अमीनो एसिड्स कहेंगे। इन्हें निम्न सामान्य रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है, यानी यदि RCHNHCOOH जिस तरह का कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, ये देखिए आप स्पष्ट रूप से यहाँ आपको दिखेगा कि एक R CH ग्रुप से जुड़ा हुआ है और उसी CH ग्रुप से NH2 जुड़ा हुआ है और COOH ग्रुप है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये RCHNH2COOH अर्थात इसमें एक एसिडिक और एक बेसिक समूह जो जुड़ा हुआ है उसकी वजह से हम इसको एक उदासीन अम्ल के उदासीन अमीनो एसिड्स कहेंगे। इसका अच्छा उदाहरण ग्लाइसिन है, अर्थात CH2NH2COOH। इसी के साथ हम एलिनिन जो कि CH3CHNH2COOH आदि है इस श्रेणी में आते हैं, अर्थात यदि हम एक कार्बन एटम वाला अमीनो एसिड लें तो उसका उदाहरण ग्लाइसिन है, जबकि यदि दो कार्बन वाला अमीनो एसिड लें तो उसका उदाहरण एलेनिन है। इसी प्रकार से अम्लीय अमीनो एसिड्स भी पाए जाते हैं, अर्थात जिनको हम एसिडिक अमीनो एसिड्स कहते हैं। ये वे अमीनो अम्ल हैं जिनके अणुओं में एक अमीनो व दो कार्बोक्सिलिक समूह विद्यमान है। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि ये एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं, अर्थात एसिडिक अमीनो एसिड्स में एक NH2 ग्रुप और दो COOH ग्रुप, अर्थात वो एसिडिक प्रवृत्ति का हो जाएगा। वे अमीनो अम्लीय अमीनो एसिड्स कहलाते हैं जिनके अंदर दो COOH ग्रुप हो और एक NH2 ग्रुप हो, अर्थात एक COOH से एक NH2 ग्रुप न्यूट्रलाइज हो जाएगा लेकिन बेस उसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो एसिडिक प्रवृत्ति का रहेगा। इनको हम निम्न प्रकार के सूत्रों से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसा कि COOH रिंग बना दी, CH, NH2 और COOH। एस्पार्टिक एसिड जो है वो भी उसमें भी दो COOH होते हैं, एक NH2 होता है और यहाँ पर यदि कार्बन के दो श्रृंखला ली जाए तो उसको हम एस्पार्टिक एसिड कहते हैं। यदि हम यहाँ पर एक एग्जांपल और ले सकते हैं, ग्लूटोनिक एसिड यानी ग्लूटामिक एसिड जो है उसमें यहाँ पर एक NH2 है, दो COOH है और जो कार्बन की श्रृंखला है वो तीन कार्बन वाली श्रृंखला है।
ये इसके उदाहरण हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि एसिडिक अमीनो एसिड जो होते हैं उनके अंदर दो COH और एक NH2 ग्रुप होता है। इसके उदाहरण एस्पार्टिक एसिड है, साथ में ग्लूटामिक एसिड इनके एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं तीसरा अमीनो एसिड अर्थात बेसिक अमीनो एसिड। जैसा कि नाम से पता पड़ता है कि बेसिक अमीनो एसिड यानी इसके अंदर बेस पार्ट ज़्यादा होगा और एसिड पार्ट कम होगा। अर्थात यदि दो बेस पार्ट हो, NH2 ग्रुप हो और एक COH हो, तो यहाँ पर इसका जो इम्पैक्ट आएगा, नेट इम्पैक्ट, वो वहाँ पर बेसिक नेचर का होगा। इसका जो जनरल फार्मूला है वो इस तरह से दिखाया जा सकता है। देखिए, एक COH और दो NH2 ग्रुप यदि हम लें तो यहाँ पर देखिए दो NH2 है और एक COH है। इसके अच्छे उदाहरण हमारे पास लाइसीन है, जहाँ पर दो NH2 ग्रुप और एक COH ग्रुप है और ये 5-6 कार्बन एटम वाली एक श्रृंखला है। इसी तरह से आर्जिमीन जो है उसके अंदर भी दो NH2 ग्रुप हैं और एक COH ग्रुप है। इसी वर्ग से उदाहरण इसके अतिरिक्त OH समूह युक्त अमीनो अम्लों के कारण हाइड्रोक्सी एनमिलियो अम्ल कहते हैं, और जिन अमीनो में अम्लों में S परमाणु हो उसे सल्फर युक्त अमीनो एसिड कहते हैं। अमीनो अम्लों की यदि हम स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में बात करें, त्रिविम संरचना के बारे में बात करें, तो ग्लाइसिन के अतिरिक्त सभी अल्फा अमीनो अम्ल चायरल अणु होते हैं, जिसके अंदर चायरल अणु होते हैं तथा प्रकाश समावयवता प्रदर्शित करते हैं। प्रकृति अल्फा अमीनो अम्ल का एल विन्यास होता है, अर्थात NH2 समूह एल ग्लिसरेल्डिहाइड के OH समूह से के सापेक्ष बाईं तरफ स्थित होता है। मीन्स यदि हम एल ग्लिसरेल्डिहाइड की बात करें तो ग्लिसरेल्डिहाइड में यहाँ पर जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड पर होगा, जबकि हम एल अमीनो एसिड्स की बात करें तो यहाँ पर NH2 ग्रुप एक जुड़ा रहता है, R रेडिकल है और COH ग्रुप है। इस तरह से L अमीनो एसिड बनता है और ये ग्लिसरेल्डिहाइड से यदि हम इसको इसका उदाहरण दे सकते हैं। जब हम अल्फा अमीनो अम्लों की बात करते हैं और उनके विचरण और गुणों की अध्ययन करते हैं, तो अल्फा अमीनो अम्लों के संश्लेषण की विधियां अर्थात मेथड्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स की बात हमें करनी होगी। यानी सर्वप्रथम हम अल्फा हेलोजन जो एसिड्स हैं उनका एमिनेशन करके, उनका अमोनीकरण करके हम इस तरह के अल्फा अमीनो एसिड्स प्राप्त कर सकते हैं। यानी एमिनेशन ऑफ अल्फा हेलोजनेटेड एसिड्स, यह विधि पार्किन व साथियों द्वारा 1856 में से 1858 में दी गई। और इस विधि में अल्फा क्लोरो अथवा अल्फा ब्रोमो अम्लों को सांद्र अमोनिया के साथ अभिकृत करने पर ये अल्फा अमीनो एसिड्स बनते हैं। अर्थात क्लोरो एसिटिक एसिड यानी ClCH2COH प्लस हम यदि NH3 2NH3 के मॉलिक्यूल लें तो ये अमीनो एसिटिक अम्ल बनता है, जिसको हम ग्लाइसिन भी कहते हैं। यानी NH2CH2COH प्लस NH4Cl भी इसमें बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। ये तो हुई पहली मेथड जिसको कि हम पार्किंस मेथड भी कहते हैं, या अल्फा हेलोजन अम्लों के द्वारा एमिनेशन के द्वारा भी कहा जाता है। इसको हम अमोनिनेशन भी कहते हैं ऑफ अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड्स। दूसरी मेथड है जिसका नाम है गैब्रिल थैलामाइड मेथड। गैब्रिल थैलामाइड मेथड जो है उसमें हम अमीनो अम्लों को की जो प्राप्ति होती है, ईल्ड होती है, वो बहुत अच्छी होती है। अच्छी नहीं हो पाती है क्योंकि सन 1889 में गैब्रिल थैलामाइड सिंथेसिस से अमीनो अम्लों से प्राप्त किया गया। इस विधि को अमीनो अम्ल की अच्छी मात्रा तो प्राप्त होती है, इसको हम यदि इसका रिएक्टेंट लें, पोटेशियम थैलामाइड लें, तो इसकी यदि एथिल क्लोरो
एसीटेट से इसकी रिएक्शन करा जाए, इन प्रेजेंस ऑफ यदि हम इसको KCl में करें इसको, तो यहाँ पर देखिए एक जो प्रोडक्ट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद में इसकी रिएक्शन HCl से कराकर फाइनली ग्लाइसिन प्राप्त होता है, और ग्लाइसिन के साथ साथ यहाँ पर थैलिक एसिड भी प्राप्त होता है। इसी तरह से इसका बनाने का तीसरा मेथड भी है, जिसको स्ट्रैकर्स मेथड भी कहा जाता है। किसी साइनोहाइड्रिन का एमिनेशन करवाकर उसका जल अपघटन करवाने पर अल्फा अमीनो एसिड्स बनते हैं। सर्वप्रथम एसिटोनिलाइड लिया जाए और फिर उसकी HCl से रिएक्शन कराया जाए तो साइनोहाइड्रिन बनता है, और साइनोहाइड्रिन में से यदि हम NH3 जोड़ा जाए और -H2 निकाला जाए तो अमीनो नाइट्राइल बनता है। अमीनो नाइट्राइल को का हाइड्रोलिसिस कराया जाए तो यह अल्फा अमीनो प्रोपेनोइक एसिड, या जिसको हम एलानिन भी कह सकते हैं, वो बनता है। एंड कार्बोक्सिलिक यौगिक में अमोनियम क्लोराइड व पोटेशियम साइनाइड के जो सम अणु मिश्रण होते हैं, इक्विमोलिकुलर मिक्सचर होता है, के साथ गर्म करके एक पद के अंदर अमीनो नाइट्राइल बना दिया जाता है, जो कि अम्ल के साथ जल अपघटित होकर अल्फा अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है। अभिक्रिया में जो इसका मैकेनिज्म है उसको हम इस तरह से देख सकते हैं। देखिए ये इसका मैकेनिज्म है, जिसमें कि CH3COCHO का NH4 से रिएक्शन कराया, इन प्रेजेंस ऑफ CN -HCN निकलता है, और ये इंटरमीडिएट स्थितियां रहती है, -H2 होता है, +CN होता है, और फाइनली ये यहाँ पर एमिनो नाइट्राइल बनता है, और जो फाइनल इसका प्रोडक्ट है एलानिन बनता है। इस प्रकार का कुल मिलाकर जो प्रक्रिया होती है, जिसमें CH3CHO के ऑक्सीजन परमाणु के स्थान पर NH2 व COOH समूह जुड़ जाते हैं, अतः किसी भी अल्फा अमीनो एसिड को संश्लेषण करने के लिए स्ट्रेकर्स अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है, जिसके उपयुक्त एल्डिहाइड लेकर उसकी KCN व NH4Cl के साथ अभिक्रिया कराकर बने हुए अमीनो नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस कराया जाता है, और ये इस तरह से यहाँ पर अमीनो एसिड्स, अल्फा अमीनो एसिड्स बन जाते हैं। देखिए इसी तरह से यहाँ पर इसकी और भी रिएक्शन है, जो हम अगली लेक्चर में लेंगे, जिसमें मेलोनिक एसिड से भी बनाया जा सकता है, कॉर्टियस अभिक्रिया के द्वारा भी बनाया जा सकता है, और इसकी डार्किमसन जो रिएक्शन है उसके द्वारा भी बनाया जा सकता है, हूप्स सिंथेसिस के द्वारा इसको हम बना सकते हैं।